अब सिद्धार्थ जी को भी हमारे साथ जोड़ लेते हैं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से। सिद्धार्थ राय मांगला जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी गुड आफ्टरनून। सर बताइए क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में इन लेवल्स पे, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल जो है वो तो थोड़ा डल है। नमस्कार वरुण जी, गुड आफ्टरनून। देखिए वरुण जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऊपर से देखने में आज थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी के अंदर निफ्टी जरूर ट्रेड कर रहा है वरुण जी, बट ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पर अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो वरुण जी 22,500 अभी भी निफ्टी में स्पॉट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक इन लेवल्स से ऊपर निफ्टी बना हुआ है तब तक मुझे लगता है कि कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल मोमेंटम बुलिश ही बना रहना चाहिए। तो किसी के पास अगर लॉन्ग एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं तो वो जरूर 22,500 के स्टॉप लॉस के साथ स्पॉट में उन्हें होल्ड करके जरूर चल सकते हैं। बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए वरुण जी अभी हमें निफ्टी में बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आज कुछ हॉलीडेज के बीच का एक ट्रेडिंग सेशन है और तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम्स अफेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि मार्केट के बाद आज टीसीएस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो नेक्स्ट सेशन में मंडे के सेशन में हम एक वहां पर भी रिएक्शन जरूर बनते हुए देख सकते हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजिशन के लिए एक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी पिक्चर अलग दिखाई देती है वरुण जी, क्योंकि इस वीक जिस तरह से बैंक निफ्टी ने साढ़े चार महीने बाद नए ऑल टाइम हाईस को टच किया और उसके बाद भी अब अपने पुराने हाईज के ऊपर फिर भी बैंक निफ्टी कंफर्टेबली सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देती है और ऐसे में नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी फिर से 49,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है वरुण जी। तो मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बैंक निफ्टी में एक बुलिश पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूं। यहां पर देखिए वरुण जी, हम इस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड और इसे हमें बनाना है 16 अप्रैल की जो वीकली एक्सपायरी है उसके अंदर। यहाँ पर देखिए वरुण जी, इस स्ट्रैटेजी में हमें 48,800 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्रीमियम अभी 218-220 रुपीज के आसपास में चल रहा है और सामने से 49,100 वाले कॉल ऑप्शन को सेल करना है। इसका प्रीमियम करीब 109-110 रुपीज के आसपास में चल रहा है। तो हमारी नेट कॉस्ट इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने की हो जाएगी 109-110 रुपीज के आसपास की ही। और अब इस पूरे स्प्रेड का स्टॉप लॉस हम लगाकर चल सकते हैं 50 रुपीज पर वरुण जी, और हमारे टारगेट होंगे 240-260 तक के। तो बुल कॉल स्प्रेड जो है यहाँ पे करना है 16 अप्रैल की जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की उसको लेके करना है। 48,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 218 रुपए में और 49,100 कॉल ऑप्शन जो है वो आपको बेचना है करीब 109-110 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उतने के आसपास का आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाता है 50 रुपए का। रखिएगा स्टॉप लॉस 240 और 260 के लेवल जो है वो आपको ये बुल कॉल स्प्रेड जो है वो दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी की बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। सर कोई स्टॉक से जो आपके रडार पे है? जी बिल्कुल वरुण जी, दो स्टॉक्स हैं और दोनों ही बुलिश लग रहे हैं। पहला स्टॉक है IRCTC। यहाँ पर देखिए वरुण जी, बहुत ही शानदार एक बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट IRCTC ने आज अपने पुराने ऑल टाइम अपने 52 वीक हाई से ऊपर का दिखाया है। तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम इस समय IRCTC के अंदर दिखाई देता है। इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। अभी स्पॉट में 1060 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1039 पर और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 1110, सेकंड टारगेट 1130 तक का। सेकंड स्टॉक है ICICI Prudential। यहां पर भी देखिए पिछले लगातार कुछ समय से हम अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर बिल्डअप होते हुए देख रहे थे। अब पिछले 3 दिन से थोड़ा सा सुस्ती के साथ ट्रेड हो रहा था बट उस कंसोलिडेशन से आज एक बहुत अच्छी मूव के साथ ये स्टॉक बाहर आया है। तो ICICI Prudential को भी बाय किया जा सकता है। अभी 639-640 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 625 पर एंड हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 665, सेकंड टारगेट 680 तक का। चलिए तो ये राय आती हुई दो स्टॉक्स पे, एक है IRCTC 1039 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करना है और 1130 का आपको रखना है पहला टारगेट। दूसरा ICICI प्रू जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 625 का स्टॉप लॉस रखेगा, 665 और 680 ये लेवल जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो दो स्टॉक्स आते हुए सिद्धार्थ राय मांगला जी की तरफ से और एक आपको बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी जो है वो ऑलरेडी ये बता चुके हैं।